गणेश चतुर्थी के अवसर पर उज्जैन के हजारों वर्ष पुराने चिंतामण गणेश मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। यहां 10 दिनों गणेश महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। सुबह इच्छामन, चिंतामन और सिद्ध विनायक भगवान का पंचामृत अभिषेक किया गया। भगवान का मावे और सूखे मेवे चेरी से आकर्षक श्रृंगार किया गया। भगवान गणेश के मंदिर को भव्य रूप से सजाया गया है। भगवान गणेश को 125,000 लड्डुओं का भोग भी लगाया गया है। मान्यता है कि राम लक्ष्मण सीता ने वनवास के दौरान मंदिर में सबसे पहले पूजन किया था। इस दौरान लक्ष्मण जी ने बाण चलाकर जल प्रभावित किया था। धार्मिक नगरी उज्जैन के अति प्राचीन चिंतामण गणेश मंदिर में मंगलवार को गणेश चतुर्थी के अवसर पर गणेश महोत्सव मनाया जा रहा है। गणेश उत्सव 10 दिनों तक चलेगा। शहर से 7 किलोमीटर दूर स्थित अति प्राचीन चिंतामण मंदिर में भगवान गणेश की 3 प्रतिमा विराजित है। ये प्रतिमा चिंतामण, इच्छामन और सिद्ध विनायक नाम से जानी जाती है। मान्यता है कि वनवास के समय भगवान राम, सीता और लक्ष्मण स्वयं यहाँ आए थे और गणेश जी की स्थापना कर पूजन किया था। पूजन में पानी की आवश्यकता होने पर लक्ष्मण जी द्वारा यहाँ पर बाण चलाकर पानी निकाला गया था। तभी से यहाँ पर एक बावड़ी भी स्थापित है। आज भी ये बावड़ी स्थापित है। भगवान के दर्शन करने के बाद प्राचीन बावड़ी के दर्शन करने की परंपरा है। अपनी प्राचीनता के कारण यह मंदिर देश भर में प्रसिद्ध है। आज गणेश चतुर्थी होने के कारण गणेश जी के इस मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। यहाँ भगवान गणेश का अति विशेष श्रृंगार किया गया है। बाबा इच्छामन, दमन और सिद्ध विनायक का सूखे मावे से आकर्षक श्रृंगार किया गया। बाबा को सुबह 4 बजे पंचामृत पुजारी परिवार द्वारा किया गया। बाबा का आकर्षक श्रृंगार देख श्रद्धालु अभी भूत हुए हैं। श्रद्धालुओं के लिए पूरे मंदिर परिसर को आकर्षक रूप में सजाया गया है। भक्तों में प्रसाद के रूप में 125,000 लड्डू का भोग भी लगाया गया है। लड्डू प्रसाद का भोग श्रद्धालुओं के लिए 10 दिनों तक रहेगा। यहाँ आज 50,000 से भी अधिक श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। मंदिर में प्रतिदिन श्रद्धालु वैसे तो आते रहते हैं, लेकिन विशेष रूप से गणेश उत्सव के दौरान हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंचते हैं। जिन श्रद्धालुओं के मनोकामना पूरी होती है वह यहां पर दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। मान्यता है कि इच्छा मन भगवान इच्छा की पूर्ति करते हैं। वहीं सिद्धि प्राप्ति के लिए सिद्ध विनायक सिद्धि देते हैं और चिंताओं का हरण करने के लिए चिंतामन भगवान यहाँ विराजमान है। प्रति बुधवार को यहाँ पर श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। आज चतुर्थी है जो पार्थिव गणेश चतुर्थी के रूप में मनाई जाती है, जो भगवान को 10 दिवसीय उत्सव होता है, जो वर्ष में एक बार भाद्रपद चतुर्थी से अनंत चतुर्दशी तक गणेश जी का आह्वान पूजन किया जाता है। वो चिंतामन गणेश में आज सुबह 4 बजे पट खोल करके भगवान का पंचामृत पूजन और श्रृंगार कर आरती के बाद में प्रसाद वितरण से आज यहाँ पर चिंतामन प्रारंभ किया गया है। किस तरह का श्रृंगार आज किया गया है, किस रूप में किया गया है? भगवान का स्वरूप तो गणेश जी के स्वरूप में किया गया, पर आज ड्राई फ्रूट और मावे से गणेश जी को श्रृंगारित किया गया है। क्या मान्यता है इस मंदिर हाँ इस मंदिर पे अगर अपन बात करें तो मान्यता ये है कि यहाँ पर आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। चूँकि ये प्रतिमाएं यहाँ पर 3 एक साथ विराजित है चिंतामन गणेश में, मन की चिंताएँ दूर हो, इच्छा पूर्ण हो और सिद्धि की प्राप्ति हो, इस ख्याति से चिंतामन गणेश मंदिर पहचाना जाता है। क्या मान्यता है मंदिर की? राम मंदिर त्रेता में राम लक्ष्मण सीता जब 14 वर्ष के वनवास में आए थे उस समय पर यहाँ पर गणेश जी का राम लक्ष्मण सीता के द्वारा पूजन किया था गया था प्रथम पूजन। और मंदिर परिसर में एक बाणगंगा है, ये एक जंगल हुआ करता था, तो लक्ष्मण जी ने बाण चला करके पानी निकाला था, उस जल से भगवान का प्रथम पूजन हुआ है। तभी से मन की चिंता दूर हो, इच्छा पूर्ण हो और सिद्धि की प्राप्ति हो, इसलिए भगवान को सभी श्रद्धालु आते हैं और मनाते हैं। 125,000 लड्डू का भोग भी भगवान हाँ बिल्कुल, ये यहाँ पर गणेश चतुर्थी से अनंत चतुर्दशी तक जो प्रसाद वितरण होता है वो भगवान को भोग लगा करके किया जाता है, जो 125,000 लड्डुओं के भोग के स्वरूप में मनाया जाता है। किस तरह का मंदिर यहाँ पर और आप दर्शन करने आए हैं, क्या मान्यता है इसकी? ये चिंतामन गणेश का मंदिर है और यहाँ पर भगवान सीता और राम भगवान और यहाँ पर सब दर्शन के लिए आए थे, यहाँ पर पूजा करी थी। बहुत ही प्राचीन मंदिर है यहाँ का उज्जैन का, जहाँ पर भगवान चिंतामन, इच्छामन और सिद्ध विनायक तीनों ही विराजमान हैं और वहाँ यहाँ पर हम दर्शन के लिए आए हैं यहाँ पर। और आज बहुत ही शुभ दिन है, बाबा का जन्मदिन है, उसको हम यहाँ पर सभी जने सेलिब्रेट करते हैं, सभी जने
हम लोग पूजा के लिए आए हैं। और किस तरह की मूर्ति यहाँ पे स्थापित है और क्या मान्यता है इन मूर्तियों की? यहाँ पे तीन तरह की मूर्तियाँ विराजमान हैं। यहाँ पर इच्छामन, चिंतामन और सिद्धि विनायक तीनों एक साथ ही विराजमान हैं। और यहाँ पे मान्यता ये है कि भगवान राम भगवान और क्या बोलते हैं लक्ष्मण और सीता यहाँ पर पूजा के लिए आए थे, उस वजह से ये बहुत एक प्राचीन और यहाँ की भव्यता बहुत मान्य है यहाँ पे उज्जैन की। शिवानी सोलंकी। पति महाराज की जय। काफ़ी लंबे समय से प्रभु के दरबार में आना चल रहा है और आज मन में इच्छा थी, आज वाहन बाबा के आशीर्वाद से वाहन खरीदा है तो वो पूरी बाबा ने मनोकामना पूरी करी है, तो बस उन्हीं के चरणों में आए हैं आशीर्वाद लेने के लिए और पूजा पाठ करने के लिए आए हैं बाबा के। और आज बप्पा का जन्मदिन है जिसको कहते हैं, तो उस दिन ये सौभाग्य मिला हमारे को कि मतलब बाबा ने हमारे को आशीर्वाद प्रदान करा उस रूप में, तो बस बाबा की कृपा हम पूरे परिवार पर इसी प्रकार बनी रहे, बस ये मंशा इच्छा है कि प्रभु। क्या नाम है? अजय सोलंकी। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।